सोनीपत में गोहाना विधानसभा से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार सैनी से हमारे संवाददाता जयदीप राठी ने खास बातचीत की है। इस दौरान राजकुमार सैनी ने कहा कि रोजगार और विकास के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पूरे तौर पर नाकाम रही है। जनता ने मौका दिया तो गोहाना की समस्याओं को दूर करूंगा, युवाओं के रोजगार के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने गोहाना विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया, इसमें हमारे साथ हैं। सैनी साहब, क्या देखते हैं, किस तरीके का चुनावी समीकरण देखते हैं आप? देखिए, इस विधानसभा में गोहाना के अंदर जितना प्यार मुझे हमेशा पिछले 4 से 5 साल तक तो ये मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उससे 20 साल पहले से मैं गोहाना के अंदर जो सब्जी मंडी गेट के सामने पार्क है उसमें मैं रैली करके गया था, भेदभाव के खिलाफ, कमजोर तबके के साथ, जो 7 अगस्त 1990 के अंदर वीपी सिंह जी ने दलित और पिछड़े के हितों को सुरक्षित करने के लिए नियम बना करके लागू किया था, उसको लागू करने के ऊपर उसकी सरकार चली गई थी क्योंकि देवीलाल परिवार ने पूरे प्रदेश के अंदर आगजनी करा दी थी। और आज ये आरक्षण इतना प्यारा हो गया कि ये हमें चाहिए। हमारा मानना है कि 100% आरक्षण इस देश के अंदर जब तक नहीं होगा, हर जाति का हिस्सा हर जाति को नहीं मिलेगा, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप बीजेपी के सांसद भी रहे, 5 साल से प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो उनको कैसे, मुख्यमंत्री तो कहते हैं बहुत विकास करा दिया, सबको रोजगार दे दिया है, पूरे प्रदेश के लाखों रोजगार हर मंथ, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, इंडस्ट्री ठप हो रही है, मैं भी इंडस्ट्री चलाता हूँ, मुझे इस बात का इसलिए ज्ञान है कि हमारे देश के अंदर बना हुआ जो माल है हमारे लोगों के खरीदने की पावर में ही नहीं रहा, बाहर से अनाप शनाप तरीके का सामान वो आकर के हमारे देश में बिक रहा है और बच्चे बेरोजगार हो जा रहे हैं और इंडस्ट्री ठप हो जा रही है। हालात अगर देश के इस कदर आ गए कि आर्थिक मंदी सबसे निम्न स्तर पर आ गई, सबसे ज़्यादा मतलब इस आर्थिक मंदी ने पूरे देश की कमर तोड़ दी और आज आर्थिक मंदी सुप्रीम सिस्टम को हिला देगी अगर हमने इसके ऊपर रोकथाम ना लगाई। इसके अलावा गोहाना को जिला बनाएंगे, उसके अलावा गोहाना के लिए क्या? इसके अलावा जितने सड़कें टूटी पड़ी हैं, जितने वहाँ पर कूड़ा कचरा जो है ना फैला पड़ा है नालियों के अंदर, उसको समेटने के लिए सरकार सफाई अभियान की बड़ी डिंगे आंक रही है, लेकिन हम ये स्पष्ट कर देंगे कि किसी भी क्षेत्र में किसी की अनदेखी ना और किसी का ज़्यादा ध्यान ना विशेष रखें। हम अपने क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इस क्षेत्र की बेरोजगारी के लिए इसी मनरेगा स्कीम से 65% आबादी छोटे किसान अनपढ़ लोग इस स्कीम में 100 दिन की बजाय 300 दिन काम लेंगे, खैरात बंद करके काम से जोड़ेंगे, आधे पैसे सरकार लेबर के रूप में छोटे किसान और मजदूरों को देंगे और आधे पैसे देगा वो जिसके खेत में काम होगा। ये थे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी, जिन्होंने कहा कि वो रोजगार के मुद्दे को लेकर, पॉपुलेशन कंट्रोल के मुद्दे को लेकर और जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इसी को लेकर गोहाना विधानसभा सीट से जीत भी दर्ज करेंगे। सोनीपत से कैमरामैन बलवान के साथ जयदीप राठी, R9 TV।